हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा बैरोलिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक छोटा सा ट्रूजू ट्रे बनाएंगे। वो ट्रूजू ट्रे कम और रिंग प्लेटर ज़्यादा कह सकते हैं, या कुछ भी गिफ्टिंग हमें करना है, या सिल्वर कॉइन गिफ्ट करना है, या गिन्नी गिफ्ट कॉइन करनी है, तो उसमें हम रख के उसे प्रेजेंट करके दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही आसान सिंपल स्टेप से घर बैठे कैसे बनाएंगे वो आज के हम वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें। पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको बताती जाऊँगी कि हम क्या क्या चीज़ें आज के डेकोरेशन में इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो डेकोरेशन है थोड़ा अलग है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो ये बना रहे हैं, एक प्लेटर कह सकते हैं इसे, जो या ट्रूजू ट्रे कह सकते हैं, छोटा सा जो हम बना रहे हैं, इसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए शुरुआत करते हैं। एक राउंड हमने माउंट बोर्ड की कटिंग ली है, दो हमने राउंड माउंट बोर्ड की कटिंग ली है। साइज़ आप अपने बिल्कुल अंदाजे से ले सकते हैं, मैंने अंदाजे से लिया है, कोई ऐसा पर्टिकुलर साइज़ नहीं है। अंदाजे से दो माउंट बोर्ड और एक मैंने ये मिरर शीट ली है। इस तरह की देखिए मिरर शीट आती है, बिल्कुल मिरर के जैसे लुक सारी होती है, इस तरह की मिरर शीट का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप धीरे माउंट बोर्ड से भी कर सकते हैं, या कोई भी और एक्रेलिक शीट को भी आप इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले यहीं से, थोड़ा सा इसे हम देखिए हाइट देंगे। और यहाँ देख लेंगे, हमने आइसक्रीम स्टिक्स को ज्वाइन करके से टुकड़े बना बना के रख रखे हैं। इस तरह से हम लगा देंगे इसे रैंडमली। अच्छे से चिपक गई है। इसके ऊपर हम हमारी एक और राउंड शीट जो है वो लगाएंगे। ये हम कर रहे हैं इस शीट को हाइट देने के लिए। साइड में जो है ना, ये देखिए हाइट दिख रही है आपको, स्टिक लगाने से हाइट आ गई है। आप चाहे तो इसी तरह के वेस्ट गत्ते के टुकड़ों को भी लेके यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स के बचे हुए कुछ टुकड़े ले लिए। कोई वैसी चीज़ जो हाइट दे दे और मजबूत रहे। और लगाते समय ध्यान रखना है कि बिल्कुल राउंड के ऊपर राउंड ही लगे। और ये देखिए मजबूत हो गया, वेट भी रखना हो तो कहीं से गिर नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। सेम प्रोसीजर, और मिरर शीट लगाने से पहले हम और हाइट दे देंगे इसकी। और सेम प्रोसीजर करते हुए हम ये मिरर शीट को भी इस पर इस तरह से लगा देंगे। ग्लू खूब अच्छी गर्म रखनी है हमें। ये देखिए, ये हमारा सेंटर का पीस रेडी हो गया। इससे देखिए कितनी हाइट मिल गई है हमें, अच्छी खासी, जो दिखने में भी अच्छी लग रही है ये हाइट हमें। अब क्या करना है, कोई भी नेट, किसी भी तरह की नेट का कपड़ा लेना है, जो आपके पास में हो नेट वो यूज़ करेंगे। मिरर शीट पर से हम ये मिरर को हटा देंगे। और मिरर को हटा कर ये देखिए इस तरह से इस कपड़े को फुल कवरिंग कर देंगे और पीछे से पूरा चिपका देंगे, पूरा टाइट, एकदम टाइट करके चिपका के इसे रेडी कर लेंगे। देखिए मिरर शीट इसलिए मैंने यूज़ की यहाँ पर कि नेट के अंदर से हल्की हल्की शाइन दिख रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आप चाहे तो इसकी जगह कोई और फैंसी हैंडमेड पेपर की भी आप शीट रख सकते हैं थोड़ी शाइन के लिए, और नहीं तो मिरर शीट की बहुत शो आएगी। तो इसे तैयार करेंगे फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं।
दोस्तों बेस तैयार हो गया है पूरा, ये देखिए टाइटली हमने इसे चिपका कर पूरा रेडी कर लिया, पीछे से भी फिनिशिंग दे दी हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए मैंने रिंग ली है, बहुत आसानी से मिल जाती है लकड़ी की रिंग्स इस तरह की, दो रिंग हमें चाहिएगी। और देखिए इस तरह की मैंने लेस ली है, देखिए बहुत ना शाइनिंग है इसमें और ना एकदम डल है, हल्की शाइन, जिस तरह से हमने बेस बनाया है इस बार इसका, उस बेस को देखिए काफ़ी हद तक मैचिंग कर रही है। तो कोई भी हम जो लेंगे बेस उसके मैचिंग में हम थोड़ा सा लेस पे जाएंगे साथ में, ताकि वो बहुत अच्छी लगे। हमने थोड़े सटल कलर लिए हैं, एकदम चटक कलर का इसमें यूज़ नहीं किया है, सिंपली इसे हम ग्लू की हेल्प से पूरी रिंग को हम इस तरह से लेस में रोल कर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से दोनों रिंग को हम तैयार करेंगे। दोस्तों हमारी रिंग रेडी हो गई है, रिंग को रेडी करके देखिए हमने एक साइड से इसे बांध दिया है, कोई भी धागा लेके एक बार बांध दीजिए। और उसके बाद में हम इसे, ये जो हमारा बेस है उसे लेंगे, उस बेस को हम हाइट देंगे। ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मोती रखे हैं, थोड़े बड़े वाले मोती हैं। इसे हाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, मोतियों को चारों तरफ लगाएंगे, बट लगाएंगे ऐसे कि जब अगर ये हाइट दें तो रखी हुई ट्रे के नीचे मोती हमारे दिखे, तो क्योंकि मोती बहुत सुंदर है और मोती लगे हुए पूरी किनारी पे बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, इसलिए हम हर पूरी किनारी पे मोती लगाएंगे, कॉर्नर पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बीच में नहीं लगाएंगे, इस तरह से। ग्लू खूब अच्छे से लगाना है, इसी तरीके से पूरे पे हम लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों पूरे में हमने इसे लगा दिया है। अब जब हम इसे नीचे रखेंगे तो आप देख रहे होंगे साइड में से मोती दिख रहे हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब जो ये रिंग, इस पर हमने जो गांठ लगाई थी दोनों रिंग को पकड़कर, उस रिंग को ऊपर की तरफ रखेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ उसे स्ट्रेट में ऊपर की तरफ रखेंगे, और नीचे वाला हिस्से को हम इस तरह से खोल देंगे। क्योंकि इसकी हाइट हो गई है तो कैमरे में प्रॉपर आ नहीं रहा है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ इस तरह से हमने इसकी हाइट रखनी है और इस तरह से इसे क्रॉस में रखना है, ठीक है। ग्लू की हेल्प से हम इसे लगाएंगे किनारे पे, एकदम किनारे पे लगाएंगे, इसी तरीके से लगाएंगे, सेंटर देख लेंगे एक रफली हम, और सेंटर देख के हम इसे प्रॉपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे टाइटली। देखिए दोस्तों ये पूरा चिपक के अच्छे से रेडी हो गया है, एकदम मजबूती से चिपक गया है, ऊपर से भी देखिए हमने थ्रेड हटाकर ग्लू लगाकर इसे भी टाइटली चिपका दिया, एकदम मजबूती से पूरा चिपक के रेडी हो गया। अभी देखिए क्या करना है, स्लांट करके मैं बताती हूँ आपको। सेम जो नेट हमने यहाँ यूज़ की है, ये वाली नेट, वही नेट हम लेंगे और उस नेट को हम तरीके से आड़ा करके दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरीके से ये जो हमारी रिंग का सेंटर है वहाँ हाफ तक हमारा कपड़ा आ जाए उतना हम इसे कवर करेंगे। लेकिन करना कैसे है, हमें ग्लू लगानी है। ग्लू कहाँ लगानी है, ये जो हिस्सा है ये कॉर्नर्स पे हमें ग्लू लगाकर पहले कपड़े को चिपकाना है, ये सेंटर से लेकर ये सेंटर तक हम पहले ग्लू लगाएंगे। और हमारे इस जो कपड़ा है इसे हम पूरा टाइटली लगा देंगे।
पूरा चिपकने के बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हम पूरा कैंची से कटिंग कर देंगे तो नीचे का चिपका हुआ निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ही इस कपड़े को हम टाइटली, इस तरीके से टाइटली, पूरा टाइटली हम खींच कर, ये दोनों साइड में है यहाँ भी ग्लू लगाकर कपड़े को चिपका देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों पूरा कपड़ा लग के हमारा रेडी हो गया है। देखिए दोनों साइड से हमने पूरी कटिंग फिनिशिंग के साथ करके इसे तैयार कर लिया है। ठीक है, अब आगे का डेकोरेशन करते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ भी हमारा कपड़ा पूरा आ गया है, तो इस तरह की देखिए मेरे पास मोती वाली लेस थी उसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। नीचे की तरफ राउंड में पूरे में ये लेस लगानी है हमें, ताकि और फिनिशिंग आ जाए, हमारे सारे जोड़ दिख रहे हैं जो ख़त्म हो जाए, पूरे में नीचे लगा देंगे ये। और साथ ही साथ ये देखिए मैंने इस तरह की हैंगिंग्स बना रखी है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल एक मोती के बड़े मोती में हमने छोटे छोटे मोती पिरोए हैं। इसे हम सेंटर में हमारे इस तरह से बांध देंगे, और ये सिंगल सिंगल ही लगानी है, बंच में नहीं लगाना है, जिस तरह से छोटा बड़ा करके आपको बीच बीच में कहीं कहीं पे दूर दूर पे पूरे पे इस तरह से बीच बीच में लगाना है। देखिए दोस्तों ये हैंगिंग लग के रेडी हो गई, सेंटर पे हमने हैंगिंग लगा ली सिंगल सिंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए हैं, कुछ इस तरह के फ्लावर्स है, कुछ ग्रीन कलर के नेट है या ग्रीन कलर की लीफ होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम सेंटर से शुरू करेंगे इसे लगाना, इस तरह से देखिए स्टार्ट किया है, ग्लू लगाकर लगाते जाएंगे और हाफ द वे आधे में हम ये फ्लावर छोटे बड़े फ्लावर के साथ में अरेंज करेंगे, साथ में ये हमारे छोटे फ्लावर्स को भी रखेंगे, यहाँ तक में हम इसे पूरा इस तरह से अरेंज कर लेंगे। कहीं कहीं पे बीच बीच में हम ग्रीन कलर की लीफ भी लगा देंगे, लीफ नहीं होगी तो नेट का कपड़ा जो है दिख रहा है वो लगाकर हम पूरा हाफ में तैयार करेंगे। हाफ में तैयार होने के बाद में इस तरह के हाफ का क्या करना है, इस साइड के हाफ को हम बहुत डिफरेंट स्टाइल से डेकोरेट करेंगे, सबसे पहले हम इतना रेडी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पूरा फ्लावर रख के हमने इसे रेडी कर लिया है, ये देखिए सेंटर पर से भी पूरा इसे हमने रेडी किया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फ्लावर, एक बोल में हमने ढेर सारे बीड्स डाले हुए हैं, छोटे बड़े मिक्स साइज है, जो भी बचे कुचे बीड्स होते हैं ना मिक्स साइज। अब आप देखिए मैंने कुछ अलग डिफरेंट किया है, इस बार करना क्या है, ये जो किनारा है इस किनारे को हमें बहुत ब्यूटीफुली बनाना है, इसमें हम ब्लू डालेंगे इस तरह से, तेज गरम ब्लू रखेंगे और मिक्स मोती को जहाँ तहाँ हम इसमें दबा देंगे। बहुत ही इजी यूनिक तरीका है ये, बाद में जितने भी एक्स्ट्रा बीड्स हैं वो सब हम हटा देंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैसे ब्यूटीफुल किनारा क्रिएट होता जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे का पूरा साइड हमें जो हाफ है हाफ देवे जहाँ तक फ्लावर लगाए बचा हुआ पूरा इस तरह से ग्लू लगा कर और बस मुट्ठी में भर कर इस तरह से हमें छोड़ना है, चिपकाना है उसके ऊपर और पूरे को ड्राई करने के लिए छोड़ देना, जब सूख जाएगा, जब एक्स्ट्रा वाले हमें सारे मोती निकालने हैं और बचे हुए यहाँ पे लगे रह जाएंगे। देखिए दोस्तों ये लग के रेडी हो गए मोती हमारे, साइड में देखिए पूरे वन साइड हमने मोती लगाया है, और कितना सिंपल तरीका है मोती लगाने का, आप चाहे तो फेविकोल से भी इस तरह से लगा सकते हैं जैसे मैंने ग्लू से लगाया है, और वन साइड में हमने फ्लावर्स लगाए हैं। छोटी सी टूथू ट्रे देखिए हमने एक तरह से तैयार की है, रिंग प्लेटर्स में बोल सकते हैं आप, या कुछ भी गिफ्ट गिन्नी गिफ्ट रखनी है गिफ्ट करने के लिए देनी है तो वो रख के यहाँ आप दे सकते हैं, या जो चाहे गिफ्ट आप यहाँ पर रखकर देने के लिए एक बहुत ही सुंदर और यूनिक सी छोटी सी हमने एक टूथू ट्रे बनाई और सिंपल तरीके से देखिए आपको मैंने सिखाया, ताकि आप घर बैठे इसे आराम से बना सकें। ये देखिए दोस्तों पूरा व्यू हमारे छोटी सी बास्केट कह सकते हैं, से टूजू ट्रे कह सकते हैं, रिंग प्लेटर कह सकते हैं, गिफ्ट के लिए बहुत ही सुंदर सी, और देखिए थोड़ा डिफरेंट लुक है हमारा इसमें, नेट हमने थोड़ी अलग यूज़ की है,
और साथ में आप देख रहे हैं रखने पे जो स्टैंड नीचे मोती के दिख रहे हैं वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसे पीछे की तरफ भी आप देख रहे होंगे मैंने किस तरह से फिनिशिंग दी है इसमें पूरे में, पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पीछे की फिनिशिंग जो है, ये फिनिशिंग भी आप देखिए पूरा हमने बारीक वाले सेम लेस लगाकर इसे पूरा फिनिशिंग दे दिया है। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया इसे बनाने का, इजीली आप आराम से बना सकते हैं, वेडिंग सीजन पे बना सकते हैं, गिफ्ट देने के लिए बना सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।